कुकड़ी है। तुम तो बता रहे हो गड़बड़ है। नहीं ठीक। नहीं नहीं जुड़ी है। अब काल वगैरह हो जाते ही और जो काल मुलजिम टूटते ही। अरे रुक तो पहले मेरी बतिया बात कर ले यार एक मिनट। साला मैं आया हूँ इधर मोड़ पे गाड़ी घर काल सवेरे तुम्हारे दम है काल सवेरे करा रहे हैं। हाँ कल सुबह। क्या महाराजगंज वाला हो गया है? सब कुछ हो गया। कहाँ है? है? कहाँ है महाराजगंज? घर पे। हाँ घर पे। अच्छा खाली यही आपका है? हाँ बस। अच्छा हाँ कल की डेट में मुलजिम टूटे थे तो वो एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया महंत योगी आदित्यनाथ दंगाइयों माफिया और अराजक तत्वों के ऊपर नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त और भ्रष्टाचार से कोसों दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जनपद रायबरेली के बछरावा थाने में तैनात उर्दू बाबू का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे जमानत से संबंधित कार्य कराने के एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के अगोरा गांव निवासी ईश्वर दीन की पत्नी किसी मामले में एक जमानत की तस्दीक कराने के लिए आई थी। यहां पर बाबू मोहम्मद मजीद ने जमानत की तस्दीक करने के लिए उनसे 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी। ईश्वर दीन की पत्नी ने बाबू के बताए हुए स्थान पर पहुँच कर उर्दू बाबू को 5,000 रुपए दिए, लेकिन उसी दौरान किसी ने उर्दू बाबू का रिश्वत लेते हुए वीडियो अपने मोबाइल के फ्रेम में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद थाना सहित जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने वादी की तहरीर पर उर्दू अनुवादक बाबू मोहम्मद मजीद के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया और अभियुक्त बाबू मजीद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आज थाना बछरावा में एक उर्दू अनुवादक का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो मेरे पास भेजा गया था, जिसका संज्ञान ले करके मैंने इसकी जांच कराई। जांच में आरोप सत्य पाए गए। इसमें जीरो टॉलरेंस जो करप्शन के खिलाफ जो नीति है उसके तहत वादी से मुकदमे की तहरीर प्राप्त करके और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सुसंगत धाराओं में मुकदमा कायम करके आरोपी को जेल भेजा जा रहा है और इसमें अगली विधिक कार्रवाई कराई जा रही है।